हेलो फ्रेंड्स, भावना के जागरण में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि क्रिसमस आने वाला है, इसी खुशी में मैं फ्रूट केक बनाने जा रही हूँ जो कि बिना अंडे का है। सिर्फ घर में जितने से कुछ चीज़ों से बन जाते हैं, बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधा कप दही लिए हैं। दही पूरा अच्छा जमा हुआ दही हमारा है, इसे ले लेना। उसमें एक चौथाई कप तेल डालें, कोई भी अनफ्लेवर्ड वाला आप डाल सकते हैं इसमें। उसमें आधा कप चीनी, आप चाहें तो इसमें पिसी हुई भी चीनी ले सकते हैं, आप ऐसे भी लग सकते हैं। इसे साथ में एक साथ मिला लें, सबको अच्छे से फेंट लें। ऐसे फेंटने से भी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए हम ऐसे ही चीनी डाल दिए। ऐसे आप चाहें तो चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। ऐसे अच्छे तरीके से मिला लें, इसी तरीके से मिलाते रहें जब तक वो अच्छे से मिल ना जाए। इसमें एक चौथाई चम्मच हम उसमें वेनीला एसेंस डालेंगे, जिससे कि अच्छा ही केक में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। इसी तरह से उसे भी अच्छे तरीके से उसमें मिला दें, विस्क की मदद से अच्छे से मिला दें उसे। अब हम उसमें सभी सूखी चीज़ों को डालेंगे। उसके लिए हमने एक कप यहाँ मैदा लिया है। एक कप मैदे में एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम इसमें छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी हमारा सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा मैदा भी चला जाए। इसी तरीके से हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत गंदगी भी रहे तो निकल जाए किसी भी तरीके का कीड़ा, और हमारा सभी सूखा इन्ग्रीडियंट्स भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बच गया, इसे हम हटा देंगे। हमने इसमें मैदा ये सब छान लिया, इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला देंगे। इसी तरीके से अच्छे से पहले हम इसे मिला देंगे जितना इसमें मिल सके। दही की मदद से मिल रहा है ये अभी। अब हम इसमें एक कप दूध लिए हैं, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। जितने हमें इसमें आवश्यकता होगी दूध की उतने ही देंगे। ऐसे अच्छे तरीके से मिलाते रहें और दूध का जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम उसमें डालते जाएंगे। इसमें भी दूध की और भी ज़रूरत है, इसे हम डाल रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे मिलाते रहें, अच्छे तरीके से इसे फेंटते रहें ताकि इसमें लम्स ना रहे। इसे इसी तरीके से हम फिर दूध का फिर देखिए ज़रूरत है, हमारा टाइट डो लग रहा है, घोल हमारा टाइट है, इसीलिए इसमें हम दूध और डाल दिए हैं। इसे भी अच्छे तरीके से मिलाते रहेंगे। पूरे दूध और घोल, दूध डाल के घोल को अच्छा घोल तैयार करना है। ये देखिए हमारा अच्छा घोल तैयार हो गया है। ऐसा ही हमारा केक का घोल होना चाहिए। इसमें हमारा सब मिला के एक कप दूध सारा लग गया। अब हम इधर सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। इसमें हम 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और थोड़े से खजूर हैं, और इसमें अखरोट है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम लोग मिला देंगे। आप इसमें अपने मनपसंद के कुछ भी, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसमें आधा कप हमने टूटी फ्रूटी लिया है, जिससे कि हमारा कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दें एक साथ इस तरीके से। अब हम इसमें एक चम्मच मैदा डाल देंगे। मैदा डाल के हम सभी ड्राई फ्रूट्स में अच्छे तरीके से मिला देंगे। इन सभी मैदे को अच्छे से इसमें मिला दें। मैदा डालने से हम ये जो हमारा सारा ड्राई फ्रूट्स है वो तले में जाके चिपकेगा नहीं, ये एक इवेनली पूरे केक में मिक्स होता है, इसीलिए हमें इसमें एक चम्मच सूखा मैदा डाल दिए हैं। अब उन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम केक में डाल देंगे, केक के बैटर में डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से तरीके से मिक्स कर लें। देखिए इसी तरीके से मिलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बस हमारा घोल केक का बैटर तैयार है। अब हम इसमें केक टिन में अच्छे से तेल ग्रीस कर लेंगे। पहले आपके पास अगर बटर पेपर हो तो बटर पेपर भी डाल के बना सकते हैं। इसमें मैदा डस्ट कर देंगे, अच्छे से डस्ट करके उसे टैप करके झाड़ दें। अब इधर हम ओवन को प्री हीट करने के लिए कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री पे इसे प्री हीट होने देंगे। तब तक हम केक के बैटर को केक टिन में डाल देंगे। इस तरीके से हमें केक टिन में इसे डाल देना है, पूरे बैटर को। इसमें डालने के बाद हम इसे टैप कर देंगे।
करने के बाद हम इसमें सारे कुछ ड्राई फ्रूट्स सजा देंगे, जिसमें बादाम है, काजू है, इसको अच्छे तरीके से सजा देंगे और उसके ऊपर हम तीनों कलर के टूटी फ्रूटी जो हमारे हैं उसके ऊपर से अच्छे से सजा देंगे, ताकि ये हमारा एकदम क्रिसमस के केक के जैसा दिखेगा हमारा केक। अब ये देखिए हमारा ओवन अच्छे से हीट हो चुका है, उसमें हमने केक को डाल दिया है। इसे हम तीस से 40 मिनट तक बेक होने के लिए डाल देंगे। ये देखिए हमारा केक बेक हो रहा है, ये देखिए कितना फूल गया है हमारा केक। ये हमारा 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। लेकिन 30 मिनट के बाद हमारा केक अभी हल्का उसमें भी बाकी है, इसमें और इसे हमें पकाना पड़ेगा। तो फिर से हम इसे कन्वेक्शन मोड पर डाल के 10 मिनट के लिए केक को बेक होने देखें। देखिए हमारा केक कितना अच्छा फूल रहा है। इसी तरीके से हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, उसे मैंने उसमें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब हम देखिए हमारा केक ठंडा हो चुका है, इसे अगल बगल से अच्छे से स्क्रैच करते हुए केक को मोल्ड से निकाल लेंगे। इस तरीके से केक को रख के हम अच्छे तरीके से पलट देंगे, ऊपर से हल्का हल्का टैप कर देंगे। टैप करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक अंदर से भी बेक हो गया है, ऊपर से भी देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया हमारा केक। देख के ही एकदम क्रिसमस के केक की तरह दिख रहा है ना। क्रिसमस में इस तरह का केक आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। अब देखिए मैं इसे आपको काट के भी दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये देखिए कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत हमारा केक बना है। देखिए कितना स्पंजी है केक, कितना फ्लफी है। आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरा केक पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।